हेलो गाइस, वेलकम टू पढ़ लो इंडिया। माय नेम इज मोनिका कपासिया और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। तो आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि मैंने जो आपके लिए स्लाइड्स रखी है, जितनी पीपीटी मैंने आपको बनाई है, उसमें इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स लगाए हैं, प्लस में आपको इतने इजी वे में समझाने वाली हूँ आज मैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मेनली जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स का, वो आरएच व्हिटेकर का फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो इतने सारे एनिमल्स होते हैं हमारी दुनिया में, है ना। तो भाई उनकी स्टडी करने के लिए हमें इनको सही से क्लासिफाइड करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए अभी तक जो हम मानते हैं वो आरएच व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन मानते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या मानते हैं कि ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या थे? सबसे पहले थे मोनेरा। उसके बाद में कौन से आए? उसके बाद में प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर आए हमारे एनिमेलिया, फिर आए हमारे प्लांटी और फिर फंजाई। ठीक है, इनका सीक्वेंस थोड़ा अलग है लेकिन मैंने ये लिख दिए। तो पांच जो है ये हमारे किंगडम्स हैं, तो हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ये हमारे मेन किंगडम है, इसमें से हमने प्लांट किंगडम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एनिमल किंगडम के बारे में। पूरा एनिमल किंगडम आज आपको बहुत इजी वे में समझाने वाली हूं मैं। ठीक है, तो जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। तो इसका पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एनिमल किंगडम है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो होंगे कॉर्डेड, मतलब फाइलम। देखो आपने वो एक क्लास लगाई होगी जिसमें मैंने फाइलम, क्लास, ऑर्डर वगैरह के बारे में बताया होगा, वो आपको जरूर लगानी है क्लास, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो किंगडम आते हैं। ये जो किंगडम है, किंगडम के बाद में क्या आते हैं? फाइलम। तो इसको हमने दो फाइलम में डिवाइड किया। ठीक है, एक फाइलम है नॉन कॉर्डेट, दूसरा है कॉर्डेट। जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उनको इनवर्टिब्रेट्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं? पॉरीफेरा। सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कौन से थे? पॉरीफेरा, जो कि पोर बियरिंग है। उसके बाद में सीलनप्रेटा, फिर हम पढ़ेंगे प्लैटीहेलमिंथी, किसके बारे में? फिर हम निमेटोडा के बारे में पढ़ेंगे, एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे, मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे हैं कॉर्डेट्स। ये दो भागों में हमने इनको डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोल देते हैं, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उनको इनवर्टिब्रेट्स भी बोल देते हैं। इसमें हम सिर्फ प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। अब वर्टिब्रेट्स में हम पढ़ेंगे पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स, मैमेलिया, इन सब क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो ये है आपकी बहुत सारी क्लासेस और फाइलम्स जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर आपको एनिमल किंगडम पढ़ना है तो एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले आपको उसके कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने ये बहुत सारे बेसिक्स लिख रखे हैं कि भाई सिमेट्री कैसी है किसी ऑर्गेनिज्म की, कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको एक पर्टिकुलर फाइलम में डाल सकते हैं, और उसमें डालने के लिए हमें उसके ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बेसिक्स है, ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट में यही समझाने वाली हूं कि क्या बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सीलम के बारे में, यानी कि कैविटी कैसी है, बॉडी प्लान कैसा है, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, है ना। देखो अगर मैं ह्यूमन हूं, मेरे अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो बहुत प्रिमिटिव है, जो सिर्फ
सेल से मिलके बने, उनके अंदर सिर्फ ऐसे सेल है, मतलब सिस्टम्स होते हैं। देखो सबसे पहले कोई अगर सेल है यहाँ पे, तो जो सेल है ना वो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने हैं, ये बात आपको पता है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल होंगे, सेल से मिलके बने होंगे, सिंपल ऐसे सेल होंगी। फिर इसके बाद में सेल के बाद में टिश्यू आ जाते हैं, टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले क्या होंगी, सेल होंगी, फिर क्या होगी, टिश्यू, ठीक है। तो कुछ जैसे पॉरीफेरा थे, पॉरीफेरा में सिर्फ सेल होती है, ऐसे ऐसे पड़ी हुई होती है सेल। अब इनको टिश्यू क्यों नहीं बोल सकते, देखो टिश्यू आपको पता है टिश्यू क्या होते हैं, एक जैसे सेल के ग्रुप को हम बोल देते हैं टिश्यू, ठीक है, कि एक जैसी सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो पॉलीफेरा होते हैं उनके बीच में यहाँ पे इंटरसेल्यूलर, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो नहीं प्रेजेंट होता, तभी तो ये बाउंड होके एक पूरा टिश्यू बनाती है। तो पॉलीफेरा में सिंपल ऐसे ही पड़ी हुई होती है सेल, तो जो सेल ऐसे ही पड़ी होती है इसलिए इनको हम टिश्यू सिस्टम नहीं बोल सकते, सिर्फ उसमें ऐसे ही नॉर्मल सेल पड़ी हुई होती है, बड़े अभागे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है। तो टिश्यू हो गए, टिश्यू के बाद में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आएंगे जहां पर टिश्यू सिस्टम होगा, टिश्यू सिस्टम, ठीक है। मतलब पहले कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जैसे पॉरीफेरा उसके बाद में आने लग गए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे, आगे बताऊंगी मैं आपको कि उनमें टिश्यूज पाए जाएंगे, कुछ में टिश्यू सिस्टम पाया जाएगा पूरा, और टिश्यू सिस्टम पूरे डेवलप हो गए, अलग अलग टाइप के क्या बनाते हैं, पूरा ऑर्गेन बनाते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम्स क्या बनाते हैं, पूरे ह्यूमन को बना देते हैं या फिर किसी भी एनिमल को बना देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेल है, सेल से क्या बने, टिश्यू, कि एक जैसी सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये एक जैसी सेल जो है विद इंटरसेल्यूलर स्पेसेस और उसमें फ्लूइड क्या बना रही है, टिश्यू को बना रही है। अब टिश्यू से क्या बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ऑर्गेन, ऑर्गेनिज्म जब बनेगा पहले ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑर्गन बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गेन सिस्टम से जब ऑर्गेनिज्म बनता है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे यहाँ पे सेल है, ये टिश्यूज है, टिश्यू बना, टिश्यू से पूरा एक सिस्टम बना। जैसे कि स्टमक का आप अगर जो है काट के देख लेते हैं तो उसके अंदर एक टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होंगे, वो टिश्यू फिर क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, कि एक सिस्टम ये है कि ये है, मतलब ये मिल जाते हैं, अगर अलग अलग ऑर्गन्स मिल जाते हैं एक साथ में तो वो पूरे एक ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं, और एक ऑर्गन सिस्टम एक पूरे ह्यूमन बींग को या फिर किसी भी एनिमल को बना देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, अब यहां पे मैंने ये लिख रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया पूरा, ठीक है। अब यहां पे हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी बेसिक है कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म अब आगे आने वाले हैं आप उनमें दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स पढ़ोगे, या तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा या फिर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है या फिर एनिमल्स हैं उनमें ओपन और क्लोज कैसे होता है। देखो ये है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि हमारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में भी कैसा होता है, उसमें भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसे होता है कि भाई मान लीजिए हमारा हार्ट है, देखो तो नॉर्मली तो ऐसा होता है जैसे हम लोग हैं, हम में भी कैसे, हम में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे हमारा हार्ट है, हार्ट में जो ब्लड है वो ऐसे पंप हो रहा है यहां से आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज, ये कैपिलरीज आ गई, देखो यहां तक तो ये ऐसे हमारी आर्टरीज लेके आ रही थी, जो ऑक्सीडाइज्ड ब्लड था उसको लेके आ रही थी। यहां पे ये जो ब्लड है ये हमारे ऑर्गन के पास गया, कैसे गया, कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। अब ये यहां से जो है सेल के पास गया विद इंटरसेल्यूलर स्पेसिस, यानी कि जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा के थ्रू कहां गया, हमारी सेल्स के पास गया, सेल से कहां गया, वापस गया हमारे हार्ट के जो है रीजन में, किसके थ्रू, वेन के थ्रू। अब यहाँ पर ये कैसे हो गया, CO2 लेके आया, यानी कि यहां से तो ऑक्सीजन लेके जाएगा ये, और यहाँ पे CO2 लेके आ गया। तो ये कैसा है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि यहां से ये ब्लड अगर निकल रहा है तो ये यहां से रिमूव भी हो रहा है, यहां से शुद्ध ब्लड जा रहा है ऑक्सीजन वाला, यहां से CO2 वाला आ रहा है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे ब्लड तो आता है लेकिन यहाँ पे ये ब्लड वापस जो है ऐसे नहीं जाता, ये यहाँ पे जो ऑर्गन होगा उसमें ऐसे ही, जैसे मतलब ट्यूबवेल नहीं होती गांवों में, ट्यूबवेल से ऐसे ही, मतलब ऐसे ही ब्लड फ्लो करता रहता है ऑर्गन्स के ऊपर,
ठीक है, तो ये कहलाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट जर्मिनल लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो जर्मिनल लेयर्स क्या होती है, जब एक छोटा बच्चा होता है, देखो ये आपको पता है कि यहां पे जो हमारा जायगोट, देखो ये मेल का स्पर्म है, ये फीमेल का एग है, अब इनसे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जायगोट से जो है यहाँ पे हमारा मान लिया बेबी बनेगा, बेबी बनेगा छोटा सा, ठीक है, ये आपको पता है कि छोटा सा बेबी बनेगा, छोटू सा। लेकिन इस बेबी को बनने से पहले ये जो जायगोट है, ये जो है यहाँ पे कुछ जर्म लेयर्स का प्रोडक्शन करता है, कि मतलब यहाँ पे कुछ सेल्स बनने लग जाती हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स बनने लग जाती है। देखो एक तो ये वाली लेयर हो गई, एक इसके नीचे लेयर होती है यहां पे, ठीक है ऐसे, और एक और लेयर होती है अंदर, ठीक है, ये ऐसे ही इधर होती है। तो जो ये बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच वाली लेयर होती है मिडिल लेयर उसको बोलते हैं मीजोडर्म, जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। तो ये तीन लेयर जो हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं, बाद में हमारे पूरे सिस्टम को बनाती हैं, जैसे कि हमारा जो है टिश्यू सिस्टम बन गया, ठीक है, यानी कि हमारा ब्रेन कहां से बन रहा है, कि भाई या तो मेसोडर्म से बनेगा, या एक्टोडर्म से बनेगा, या फिर एंडोडर्म से बनेगा, मतलब ये ही हमारे पूरे, जैसे ये बेबी बनेगा ना, ये जो है ये फोल्ड हो जाती है ऐसे, मतलब यहाँ पे फोल्ड होती रहती है, और ये यही जाके ये ऑर्गेन्स बनाती है हमारे, ठीक है, ये जो लेयर्स होती है। तो हमारी जर्मिनल लेयर ये डिसाइड करती है कि वो डिप्लोब्लास्टिक है या फिर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि अगर देखो यहां पे, देखो अगर यहां पे मीजोडर्म प्रेजेंट है, यानी कि एक लेयर बाहर वाली एक्टोडर्म, एक लेयर अंदर वाली एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म, तो ये वाली जो हमारी जर्मिनल लेयर है वो कैसी कहलाएगी, वो कहलाएगी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अगर बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, यहां पे मीजोडर्म की जगह एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं मीजोग्लिया, ठीक है, तो ये वाली जो हमारी जर्मिनल लेयर है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही ना ये बेसिक्स, ये हर एक फाइलम में आने वाले आगे, ठीक है, ये आगे आपको बताने हैं, वहां पे सिर्फ इतना लिखा होगा कि ये वाला फाइलम है, ये कैसा है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, सीलोमेट क्या होता है, ए सीलोमेट क्या होता है, वो भी अभी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, या तो टिश्यू सिस्टम है या ऑर्गन सिस्टम है पूरा, ये सब आपको आगे बतानी है हर एक फाइल में। अब हम बात करेंगे सीलोम के बारे में। देखो सीलोम क्या होती है, मान लिया मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, ठीक है, अब जो मेरी एलिमेंट्री कैनाल बीच में होगी, यहाँ पे मेरी एलिमेंट्री कैनाल और मेरी ये यहाँ पे जो बाहर वाली लेयर है, इसके बीच में जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं सीलोम, ठीक है। देखो ऐसे मान लिया कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पे इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे ये एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे इसकी बॉडी वॉल है, ठीक है, अब इसके बीच के स्पेस को हम बोलते हैं सीलोम, ठीक है, इसके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, सीलोम। अब हम बात करेंगे सीलोम के टाइप्स के बारे में, कि ए सीलोम कौन होते हैं, सीडो सीलोम कौन से होते हैं, सीलोमेट्स कौन से होते हैं। देखो सीलोमेट्स तो वो होते हैं जिनके, देखो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है और ये बाहर वाले स्पेस, इसकी जो यहाँ पे ये वाली लाइन होती है, जो इसकी लाइनिंग है ये मीजोडर्म की बनी, यहाँ पे मीजोडर्म की एक लाइनिंग भी होगी, इनर लेयर मीजोडर्म की होगी, तो ये कहलाएगी सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट भी बोल देते हैं इसको। जैसे कि हम लोग होते हैं ह्यूमंस में, हमारी मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारी बॉडी वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये एलिमेंट्री के, यहाँ पे जो ये वाली लेयर है, यहाँ पे मीजोडर्म लगी हुई होगी बाहर से, और यहाँ पे मीजोडर्म, यहाँ पे खाली खाली पोर्शन है जहां पे कुछ फ्लूइड या जो भी एलिमेंट्री कैनाल जो है फैली हुई है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब कुछ जो है फैली हुई है, ठीक है, इतनी ये सीलोम है, ठीक है। तो यही वाली बात हम कर रहे हैं कि जो यहाँ पे अगर ये वाली जो मेम्ब्रेन है,
इनर मेम्ब्रेन अगर मीजोडर्म की होगी तो ये कैसी कहलाएगी? सीलोमेट, और इसको ट्रू सीलोमेट भी बोल देते हैं, ट्रू सीलोम भी बोल देते हैं। अगर यहां पे देखो सीलोम तो प्रेजेंट होगी, अगर मान लिया यहां पे, मान लिया यहां पे ये प्रेजेंट ना हो, ठीक है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल भी हो और यहां पे ये आपकी बॉडी वॉल भी हो, लेकिन यहां पे मेसोडर्म की लाइनिंग ना हो, तो ये कहलाएगी हमारी ए सीलोमेट। क्या कहलाएगी हमारी? ये कहलाएगी हमारी ए सीलोमेट, ठीक है। अगर यहां पे एलिमेंट्री कैनाल ही प्रेजेंट ना हो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे हमारे स्पॉन्जेस होते हैं ऐसे, इसमें एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होती, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पे पोर से अंदर वाटर जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, ना तो फूड के डाइजेशन के लिए ना ही एक्सक्रीशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, एनस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये कैसे कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हमारे ए सीलोमेट की एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया, सीडो का मतलब होता है झूठी, यानी कि यहाँ पे देखो सीलोम तो है कि भाई यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, आउटर लेयर है, ये हमारी बॉडी वॉल है, तो यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी लाइनिंग है यहाँ पे मेसोडर्म नहीं होती, तो ये सीडो सीलोम कहलाती है। और यहाँ पे सीलोमेट का क्या मतलब है? सीलोमेट का मतलब है कि जैसे हम लोग की हमारे अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल है, आउटर बॉडी ये लेयर है, और यहाँ पे हमारी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इसकी साइड में कुछ सेल्स लगे हुए होते हैं किसके, मेसोडर्म के, ठीक है, तो ये ट्रू सीलोम्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे बॉडी सिमेट्री के बारे में, कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, जैसे मुझे आप देखोगे यहां से ऊपर से, तो मैं ऊपर से देखने में कैसी हूं, कि सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में, यानी कि यहां से बीच में से काटे, तो वो दोनों तरफ से कैसा हो? इक्वल, यानी कि जैसे मैं अगर बीच में से ऐसे काट दी जाऊं तो मेरी एक आंख से इधर दिखाई देगी, एक इधर, एक हाथ इधर, एक इधर, यानी कि दोनों जगह इक्वल चीजें बटी हुई हो, तो वो बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि जैसे स्टारफिश है, ये आपके स्टारफिश है ऐसे, ठीक है, तो भाई इसको अगर बीच में से ऐसे काटोगे तो जरूरी तो नहीं है कि ये, क्योंकि पांच आर्म होते हैं इसके अंदर, तो एक में तीन आर्म आ जाएंगे, एक में दो आर्म आ जाएंगे, इसलिए इसको बाइलेटरल नहीं काट सकते हम। इसको हम कैसे काट सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं इसकी कैसी सिमेट्री है, इसकी है रेडियल सिमेट्री, यानी कि इसको हम ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ठीक है, बायलेटरली नहीं काट सकते। अगर हम इसको ऐसे काटेंगे ना स्टार टाइप में, तो हम इसको रेडियल, यानी कि रेडियल की कहीं से भी काट लो, कहीं से भी काट लो, तो ये इस तरीके की दिखाई देगी कि जैसे कि आपका हाइड्रा होता है, ठीक है, हाइड्रा में भी कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, कि हाइड्रा को ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे, तो ये ना, मतलब इसमें अगर बीच में से आप इसको काटते तो क्या आपको ये दिखाई देता कि यहां से एक साइड, मतलब दोनों साइड इक्वल चीजें दिखाई देती आपको, ठीक है, तो ये बाइलेटरल तो नहीं है सिमेट्री। जैसे आप कोई प्लांट ले लो, मान लिया ये पौधा है आपने, तो इसकी ऐसे लीव्स निकली हुई है ऐसे, ठीक है, तो अगर इसको आप बीच में से काटोगे तो ये जरूरी नहीं दोनों तरफ से इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो जो इक्वल हाफ में, अगर एक बीच में कट लगाने से यहां से दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन अगर जो बीच में से एक कट लगाने से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते वो कैसे होते हैं? वो होते हैं रेडियल सिमेट्री वाले, कि भाई उसको, उनको कई जगह से काटना होगा, और कई जगह से काटने पे ना वो जब इक्वल दिखाई दे हमें, जैसे हमने स्टार फिश को काट दिया कि यहां से काट दिया तो इसका एक आर्म ऐसे निकल गया, ये ऐसा दिख रहा है हमें, यहां से काट दिया तब इस तरीके का आर्म इसके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहां से भी ये, हम यहाँ पे भी इसको रेडियल काट सकते हैं कि एक कट ऐसे लगाना, एक यानी कि पहले क्रॉस पर यहाँ पे एक डंडा, कैसे काटना है? 1 2 3, ठीक है, ये होती है रेडियल सिमेट्री। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं भाई, जिसको बीच में से काट लो तब भी इक्वल नहीं हो रहा, उसको ऐसे काट लो तब भी इक्वल नहीं हो रहा, तो इनकी सिमेट्री कैसी होती है? इनकी सिमेट्री होती है एसिमेट्रिकल, यानी कि कोई सिमेट्री ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बॉडी प्लान के बारे में, ठीक है, बॉडी प्लान दो टाइप्स का हो सकता है, देखो जैसे मैं आपको यहां बताती हूं, एक तो होगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जैसे कि हम लोग होते हैं ह्यूमंस में, कि भाई हमारी बॉडी क्या है, ऐसे ही तो है, ऐसे ऐसे होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल होती है बीच में,
ऐसे हमारी बॉडी होती है ये, तो ये भी तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बाहर से, और ट्यूब के अंदर ट्यूब, तो हमारी बॉडी का जो प्लान है वो कैसे है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब कब होता है कि भाई यहाँ पे माउथ है, यहाँ पे एनस है, ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कि हम डाइजेशन, मतलब हम इंटेक कर रहे हैं फूड का माउथ से, डाइजेशन पेट में हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है फिर, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म इतने अभागे होते हैं कि उनके पास में एनस ही नहीं होता, तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं, उनके मतलब एक ही पैसेज होता है सिर्फ, उनके पास में एक ही पैसेज होता है, खाना खाने का भी और एक्सक्रीशन का भी, उनको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक, जैसे कि स्पॉन्जिस में होता है, ठीक है, स्पॉन्जिस में होता है कि भाई एक्सक्रीशन के लिए एनस नहीं होता। ये कुछ प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे जिनमें पहले ऐसा पाया जाता था, लेकिन आज जो अब के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड के बारे में, ठीक है। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट में प्रेजेंट होती है बहुत, देखो जैसे कि आपको पता है कि इसका ओरिजिन कैसा होता है, इसका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, जो मैंने आपको बताया कि मीजोडर्म क्या होती है, देखो हमारी जर्म जो थी उसकी तीन लेयर बताई थी, ये एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म, ये एंडोडर्म। तो जो हमारी नोटोकॉर्ड है, पहली बात तो भाई इस मीजोडर्म से बनी हुई होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है कि बहुत स्टफ होता है, ठीक है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड इज कॉर्डेट्स एंड विदाउट दैट आर नॉन कॉर्डेट। जो हम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को डिवाइड करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कॉर्डेट में चले जाते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती वो नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड का, ठीक है। अब ये हम कॉर्डेट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हमने अब तक क्या पढ़ा, बेसिक चीजें पढ़ ली जो आपको आनी बहुत जरूरी है। ये जो चीजें मैंने आपको चार पांच पढ़ाई है, इन्हीं के बेसिस पे हम पूरा एनिमल किंगडम जो है कवर कर लेंगे, इसलिए आपको ये बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जो मैंने आपको बताया कि या तो वो सेल का बना हुआ होगा, या फिर टिश्यूज का बना होगा, या फिर ऑर्गन का बना होगा, या फिर ऑर्गन सिस्टम का बना होगा, या फिर पूरा हमारी तरह कैसा होगा, पूरी बॉडी होगी जो कि सेल से, या फिर हम कैसे हैं, हमारे तो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो या तो उसके पास सेल्स हो सकती है, या फिर टिश्यू हो सकते हैं, या फिर ऑर्गन हो सकते हैं, या फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। तो हम उसकी, ये जो मैंने आपको तीन चार इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमने क्या किया है, इनको क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गन जो हमारा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा है, ठीक है। तो जो सेलुलर लेवल वाले हैं उनको हमने अलग डाल दिया। फिर हम देखेंगे उसकी सिमेट्री, ठीक है। देखो यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम वाले इनको अलग डाल दिया। जो सिमेट्री है उसमें रेडियल सिमेट्री वालों को अलग डाल दिया, बायलेटरल सिमेट्री वालों को अलग डाल दिया। फिर हमने देखी उसकी बॉडी कैविटी, ठीक है। यहाँ पे इनके पास तो बॉडी कैविटी नहीं है यहां तक। इसके बाद में जो है एसिलोमेट आ गए, सीडोसिलोमेट आ गए। फिर बाद में जो यहाँ पे प्रिमिटिव, सॉरी जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म आए वो कैसे हैं, वो सीलोमेट्स हैं। इनके पास में सीलोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे इनके बारे में, कौन से सबसे पहले कौन से था, पोरीफेरा, जिसमें सिर्फ सेल पाई जा रही थी बेचारे में, ठीक है। इसके पास में क्या है, सेल्स पाई जाती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिलेंट्रेटा के बारे में, इसको नाइडेरियम भी बोल देते हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, टीनोफोरम में भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम प्लेटीहेलमिंथीज के बारे में, इसमें एसिलोमेट यानी कि कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। फिर हम पढ़ेंगे एस्कहेलमिंथीज के बारे में, इसमें फॉल सिलोम यानी कि स्यूडोसिलोम होती है, यानी कि धब्बा है सिलोम के नाम पे, कोई सिलोम है नहीं वैसे, ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे ट्रू सिलोम वाले, जैसे कि हम लोग हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब जो है ये एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है। सबसे एडवांस तो हम लोग ही है ना। तो सबसे पहला फाइलम आ जाता है जिसका नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। पोर बियरिंग समझ रहे हैं आप, कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे है उसमें यहाँ पे पोर्स होते हैं, पोर्स, ठीक है। पोर्स से जो है वॉटर अंदर आ जाता है, इनको स्पॉन्जेस भी बोल देते हैं। आपको पता है कि जो पहले जमाने में, देखो आप जिस स्पॉन्ज से आप नहाते हो ना, जिसमें ऐसे छेद छेद होते हैं, बहुत वैसे रफ रफ सा होता है, वो स्पॉन्ज तो आर्टिफिशियल है।
पहले जमाने में जो स्पॉन्जेस थे वो ओरिजिनल स्पॉन्ज से आते थे, वो पॉलीफेरा के ही मेंबर थे जो कि वॉटर में रहते, सी वॉटर में बहुत डीप सबसे नीचे, ठीक है। तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं, वो बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इनका जो ये सेल से मिलकर बने हुए, इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ठीक है। तो जो पॉलीफेरा है उनमें पोर्स पाए जाते हैं, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्जेस इसलिए कहलाए जाते हैं और पोर बेयरिंग कहलाए जाते हैं क्योंकि इनमें पोर्स पाए जाते हैं। और सबसे मेन बात, इनमें वॉटर कैनाल सिस्टम होता है, इनकी जो सीलोम होती है वो ए सीलोमेट, यानी कि सीलोम तो है ही नहीं, एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं है, फिर प्लस में एनस भी नहीं है, एक ही पैसेज है जहां से इसका जो है फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एक्सक्रीशन हो रहा है, और यही पे इसका बेचारे का रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है हमारा स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर, इसके अंदर इस तरीके के यहाँ पे छेद लाइक छेद छेद होते हैं, ये छेद कुछ मतलब ऐसे होते हैं कि एक सेल ये है यहाँ पे, देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका कि भाई ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेल और है ऐसे, ठीक है। अब ये एक सेल फिर है फिर यहाँ पे एक सेल है। तो ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है ना, इसके बीच में से ही छेद हुआ होता है, यहाँ पे ये छेद है, ठीक है, ये छेद। तो यहीं से जो है वॉटर एंटर कर जाता है, यहीं से वॉटर बाहर से, क्योंकि ये सी में रहते हैं भाई, सी वॉटर में रहते हैं, यहीं से जो है वॉटर एंटर कर जाता है अंदर। देखो ये जो आपको यहाँ पे सेल दिखाई दे रही है ना, ये पहली बात तो यहाँ पे छेद नहीं है, ये एक सेल ही है, सेल के अंदर को निकल के वॉटर आता है, ठीक है। तो यहां से वॉटर अंदर एंटर करेगा और ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसका, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। अब जहां से वॉटर बाहर जाएगा इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। अब ये जो इसका यहां से जो पोर्शन है जहां से वॉटर अंदर जा रहा है इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। तो पहली बात कि वॉटर यहां से एंटर करेगा और यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से एंटर करेगा यहां से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ससाइल है, चल फिर नहीं सकते, ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे रहेंगे, बल्कि इनको जो फूड मिलेगा वॉटर के थ्रू जाएगा कि वॉटर आ रहा है, वॉटर यहां से एंटर कर रहा है इसके अंदर, स्पॉन्जोसील के अंदर। अब यहाँ पे जो है कुछ सेल होती है एडवांस्ड, वो मैं आपको भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये जो सेल्स होती है यहाँ पे, ये जो वॉटर आ रहा है इसके अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ के जो है उनको डाइजेशन कर लेते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के लिए कोई एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं है इनके पास, ठीक है। तो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन होने के बाद में ये यहीं से एक्सक्रीशन कर देते हैं, और जो वॉटर आ रहा है यहीं से ये क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं उस वॉटर के थ्रू, ठीक है। तो बहुत प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले यही आए थे, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि जो सेल है, जो यहां पे जो फूड को पकड़ती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहां पे क्वेनोसाइट। ये आपको एक क्वेनोसाइट दिखाई दे रही होगी, ये जो क्वेनोसाइट है ये यहां पे लगी हुई होती है, यहां पे जो ये यहां पे आप, मैं बता रही थी ना कि यहां से वॉटर एंटर करेगा, यहां से जहां से एंटर करेगा वहीं पे लगी हुई होती है ये, देखो ये। अब यहां से अगर वॉटर आएगा, देखो वॉटर इसके अंदर से निकल के जाता है, ये जो आपको सेल दिखाई दे रही है इसी के अंदर से ऐसे वॉटर निकल के जाएगा यहीं से, ठीक है। तो वॉटर जैसे जाएगा ना, तो वॉटर ये जो इसके यहाँ पे आपको ये यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसके ये ऐसे होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हैं कोएनोसाइट, जैसे ये मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फूड को ये पकड़ सके, कैप्चर कर सके। तो यहां से ये वॉटर में से फूड को कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर करके यहाँ पे अपने अंदर ही डाइजेशन कर देते हैं, और डाइजेशन करने के बाद में ये जो जितनी भी सेल है यहाँ पे, देखो ये अंदर वाली सेल, बाहर वाली सेल, ये जो सेल है ये सेल के पास में ये खाने को भेज देते हैं। अब भेजते कैसे हैं, यहाँ पे ये जो सेल यहाँ पे लगी हुई होती है, यहाँ पे बीच में ये जो कैविटी दिखाई दे रही है ना आपको, ये यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट वैसे तो नहीं होती, सेल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, नॉन सेलुलर लेयर बोल सकते हैं इसको, ये वाली क्या है, नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है, नॉन सेलुलर लेयर है। तो ये जो नॉन सेलुलर लेयर है यहाँ पे कुछ सेल्स पड़ी हुई होती है, जो ये
वाली सेल ना इसमें अंदर आ जाती है, मतलब सेल इसकी बनी हुई नहीं है, यहाँ इसकी सेल नहीं, बाहर वाली सेल है, ये यहाँ से अंदर यहाँ पे आ जाती है इस जगह, ठीक है। इनको हम बोलते हैं अमीबोइड सेल या फिर अमीबोसाइट। इनको क्या बोलते हैं हम? अमीबोइड सेल। अमीबोइड सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अमीबा की तरह क्या करती है, मतलब आगे चलती रहती है कि अपने स्वीडोपोडिया से आगे चलना, अमीबोइड सेल। तो इनका क्या काम है, ये जो दूसरी सेल्स को देने का काम करती है, ठीक है। तो ये है पूरा इसका स्ट्रक्चर। और ये जो आपकी यहाँ पे ये जो लेयर है आपकी, इसमें जो सेल्स होती है ये क्या होती है, पिनेकोसाइट्स फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द स्पॉन्ज। यानी कि यहाँ पे जो आउटर कवरिंग है हमारे स्पॉन्ज की, ये क्या है, ये कहलाती है हमारी पिनेकोसाइट, ठीक है। मे फेगोसाइट लार्ज फूड पार्टिकल, यानी कि जो लार्ज फूड पार्टिकल होते हैं उनको कौन पकड़ती है, वो पकड़ती है पिनेकोसाइट, ठीक है। अब एक पोरोसाइट, पोरोसाइट मैंने आपको बता दिया कि जहां से वॉटर एंटर करता है, देखो दोबारा से बताती हूँ मैं आपको कैसे कैसे इसका पूरा जो है मैकेनिज्म होता है। मान ले ये स्पॉन्ज सील की बाहर वाली भी, ये एक लेयर हमने इतनी काट के यहां पर रख रखी है, ठीक है, इतनी यहां से हमने इतना पोर्शन काट लिया, ठीक है। तो इतना पोर्शन काटने के बाद में ये बाहर वाली सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइट। ये क्या करती है, आउटर कवरिंग देती है स्पॉन्ज को और लार्ज फूड पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे ऊसाइट प्रेजेंट होते हैं, एग सेल भी यहीं पे प्रेजेंट होती है। देखो ये जो आपको यहाँ पे ये पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये वाला ये नॉन सेलुलर लेयर है, यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ये जो मतलब साइड साइड की जो सेल होती है ना, कुछ यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे सेल नहीं होती। अब यहाँ पे जो है बीच में एक सेल प्रेजेंट होती है, ये वाली एक सेल है ये, इसको हम बोलते हैं पोरोसाइट, ठीक है। अब ये जो पोरोसाइट होती है इसके अंदर से वॉटर अंदर जाता है, यहाँ पे जो वॉटर अंदर जा रहा है, पोरोसाइट एक सेल है उसके अंदर से जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब इस कहीं से और सेल के बीच में यहाँ पे कोई स्पेस है, मतलब इस सेल के अंदर से ही वॉटर जाता है, यहाँ इस पोरोसाइट से एंटर कर रहा है वॉटर, ठीक है। अब इस पोरोसाइट से वॉटर एंटर कर रहा है, अब चलो ठीक है वॉटर अंदर चला गया। अब यहाँ पे जो ये नॉन सेलुलर लेयर है, यहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जिनका बोलते हैं हम अमीबोसाइट। ये अमीबोसाइट क्या करती है, फूड पार्टिकल्स को दूसरी सेल तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। अब अंदर आ जाओ थोड़ा सा, जो इसकी अंदर वाली ये लेयर है, ये वाली, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोएनोसाइट, ये इस टाइप की, ठीक है। अब ये सेल ऐसी होती है, इनका एक फ्लैजिला निकला होता है, ये क्या करती है, मतलब फ्लैजिला से तो ये थोड़ा बहुत मूवमेंट करती है, लेकिन जो यहाँ पे जो ये आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको मूव कर करके ये फूड पार्टिकल्स को अपने पास में लेके आती है, और फ्लैजिला भी इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां से मान ले ये वॉटर जा रहा है, तो अगर वॉटर यहाँ से जाएगा ना, तो ये यही से वॉटर से कैप्चर करेगा, क्योंकि वॉटर के साथ में कुछ फूड पार्टिकल्स भी आएंगे अंदर, तो फूड पार्टिकल्स को ये यहीं से कैप्चर करती है, और कैप्चर करके अपने अंदर, यहाँ पे डाइजेशन होता है फूड का, इनके पास में कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद में ये फूड यहाँ से ये सेल अमीबोइड सेल्स के पास चले जाते हैं ये फूड, और ये अमीबोइड सेल्स जो होती है ये सारी सेल्स को जो है फूड प्रोवाइड कर देती है। और दूसरी बात, यहीं से एक्सक्रीशन हो जाता है, जो इसका वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, अमोनिया, ठीक है। ये अमोनिया जो है यहीं से डायरेक्टली क्या करती है, रिलीज करती है अमोनिया, और यहीं से ये अमोनिया जो है अंदर चला जाता है, मतलब वाटर के अंदर चला जाता है, यहाँ से वाटर के साथ, क्योंकि वाटर ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, वाटर ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो वाटर है वो यहाँ से आ रहा है, वाटर के साथ में फूड पार्टिकल आ रहे हैं, वो यहाँ से कैप्चर हो रहे हैं, कैप्चर होने के बाद में डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के बाद पूरे बॉडी को मिल रहा है, बॉडी को मिलने के बाद में वो जो वेस्ट मटेरियल है नेसेसरी वो बाहर जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक कोएनोसाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसी होती है, ठीक है। तो इस तरीके की होती है एक कोएनोसाइट कि यहाँ पे मान लिया यहाँ से वॉटर जा रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा रही है, यहाँ से वॉटर जा रहा है, ये फूड पार्टिकल से, ये थोड़े थोड़े फूड पार्टिकल से ये फ्लैजिला है,
यहाँ फिलेजिकल को ये मूव करते रहता है, यहाँ से फूड पार्टिकल अंदर जाते हैं, यहाँ पे डाइजेशन होता है, ये यहाँ से अमीबॉइड सेल को दे देता है, अमीबा साइड जो है ये क्या करती है, ये और सेल्स को ट्रांसफर कर देती है फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, डाइजेशन इसके अंदर होता है। अब ये आपको पूरा एक स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बता दिया कि बाहर में बाहर वाली लेयर जो होती है पिनेकोसाइट, फिर अंदर यहाँ पे कोएनोसाइट होती है जो फूड पार्टिकल्स को जो है पकड़ के कैप्चर करती है, डाइजेशन करती है, वाटर यहाँ से जाता है, यही से इसका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो मैंने आपको बता दिया कि वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वो सिर्फ इसमें ही होता है, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो तीन टाइप्स का होता है वाटर कैनाल सिस्टम, एक तो होगा एस्कोनॉइड, एक होता है सिंकोनॉइड, एक होता है ल्यूकोनॉइड, ठीक है। अब जो एस्कोनॉइड होता है वो मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि यहां से ऐसे सिंपल ही जा रहे हैं वाटर और बाहर आ रहे हैं, इसमें थोड़े से मतलब रास्ते में अड़चन सी होती है, ऐसे ऐसे वाटर को जाना पड़ता है, और इसमें ज्यादा ही मतलब बहुत बुरी तरीके से वाटर को बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये न्यूट्रिशन तो हेल्प करता है, ये भी खाने में, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन में भी यही हेल्प करता है कि भाई अगर मान लिया ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है, अब यहां से जो है ये मेल का यहां से स्पर्म जो है यहाँ वाटर के थ्रू बाहर चला जाएगा, और वाटर के थ्रू ही ये इसमें एंटर कर जाएगा, यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा होता है इसमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है आपका स्पॉन्जेस का, तो वो मैंने आपको बता दी कैसा होता है कि बस ऐसे, या तो देखो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड के थ्रू भी होता है कि इसमें जो है स्पिक्यूल्स होते हैं, देखो ये जो आपको स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे इसके कुछ ये जो आपको नॉन सेल्यूलर लेयर मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे एक इंटरनल बड वाला स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, यहाँ पे स्पिक्यूल्स लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो स्पिक्यूल्स हैं, यहाँ पे देखो चावलों के दाने के जैसे स्ट्रक्चर होता है एक, ठीक है, वो जो चावल के दाने के जैसे स्ट्रक्चर होता है वो बहुत हार्ड होता है, मान लिया कोई आपदा आ गई, ठीक है, आपदा आने के बाद ये पूरे स्पॉन्ज मर गया, ये जब भी जिंदा रहेगा, और जब दोबारा से यहाँ पे लाइफ जर्मिनेट होगी, ये यहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पॉन्ज बना देता है, ठीक है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बर्ड के थ्रू भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म है उससे यहाँ से बर्ड निकल गई, बर्ड निकल के दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर दिया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि स्पर्म होंगे, एग होंगे, मतलब एक दूसरे के पास में जाके ऐसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, और पूरा प्लांट बॉडी, प्लांट कह रही हूँ सॉरी, पूरे पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें बडिंग हो सकती है, फ्यूजन भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज हो सकती है, जेम्यूल्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। जेम्यूल्स जो चावल के जैसे दाने के मैंने स्ट्रक्चर बताए थे वो जेम्यूल्स का ही है, जेम्यूल फॉर्मेशन ही बोल देते हैं उसको, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे तो मैंने आपको सारे समझा दिए, देखो मैराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल बॉडी होती है, यानी कि इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है ना, ना तो ये बायलेटरल सिमेट्री होती है इनकी, क्योंकि ऐसे ऐसे होते हैं ना स्पॉन्ज, ऐसे ऐसे, और ये एक साथ लगे हुए भी हो सकते हैं ऐसे ग्रुप में, तो इसको ना बायलेटरल सिमेट्री हो सकती, ना इसमें रेडियल सिमेट्री हो सकती। सेल्युलर लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था कि इनमें ही होता है और किसी में नहीं होता। वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ऑस्टिया स्पॉन्जोसिल ऑस्कोलम प्रेजेंट होता है, कोएनोसाइट प्रेजेंट होती है, कोएलर सेल्स लाइन इन स्पॉन्जोसिल, डाइजेशन इन इंटरसेलुलर, ठीक है, इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर हो रहा है, मैंने आपको बता दी कहाँ पे होता है। स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल स्पॉन्जिंग फाइबर, ये मैंने आपको बता दिया कि स्पॉन्जिंग फाइबर होते हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है उनमें चावल के दाने के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं, यानी कि कुछ आपदा आ जाए मरेंगे नहीं। दूसरा ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट का काम भी करते हैं कि जो आपका स्पॉन्ज ऐसा सीधा खड़ा है ना, वो इसकी वजह से खड़ा है, स्पिक्यूल्स की वजह से, ठीक है, वरना वो ऐसे गिर जाता। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं कि भाई मेल और फीमेल दोनों जो है यहीं पे एक जगह लगे हुए हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन,
सेक्सुअली बाय गैमेट्स, फ्रेगमेंटेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इंटरेक्ट। अब देखो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स लिख रखे मैंने कुछ, ये आपको लर्न करने बहुत जरूरी है। क्या दिख रहा है, ये साइकन, वो स्पॉन्जिला है, ठीक है, ये यू स्पॉन्जिया है, ये हमारा साइकन है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका नेक्स्ट फाइलम जिसका नाम है सिलेंट्रेटा, नाइडेरियम भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जेलीफिश आती है, जेलीफिश भी देख लेंगे हम, ठीक है, सी एनीमोनी होता है। अब पहले हम इसकी पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक हाइड्रा दिखाई दे रहा है, ये सिलेंट्रेटा में आता है, आपको हाइड्रा पता है, ठीक है। हाइड्रा कैसा होता है, एक सिंपल ऐसा होता है, उसके यहाँ पे टेंटेकल्स निकले होते हैं, ये दिख रहा है जैसे आपको, ये हाइड्रा है, इसके टेंटेकल्स निकले हुए होते हैं, इसमें बर्ड फॉर्मेशन होती है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड के थ्रू होती है। अब ये हमने हाइड्रा दे रखा है, ये यहाँ पे इसका टेंटिकल्स है, बीच वाले पोर्शन को हाइपोटोम बोलते हैं। अब जो ये यहाँ पे इसका ये वाला रीजन है ना, इसको काट के हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा होता है अंदर से, ठीक है। तो जो हमारा हाइड्रा होता है उसकी जो है तीन लेयर दिखा रखी है यहाँ पे, तीन तो नहीं मतलब दो ही होती है, मतलब ये जो इसकी जर्मिनल लेयर होती है वो कैसी होती है, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है कि इसमें सिर्फ एक्टोडर्म पाई जाती है, एंडोडर्म पाई जाती है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया पाया जाता है, यानी कि कैसा है ये डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो इसकी ये एक्टोडर्म है बाहर वाली है, यहाँ पे कुछ निमेटोसाइट लगे हुए होते हैं, निमेटोसाइट ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। निमेटोसाइट एक मतलब ये प्रे को कैप्चर करने के काम भी आ सकता है या फिर प्रे को मारने के साथ, यानी कि ये एक कांटा सा निकला होता है इसमें, ये मैं भी आपको आगे भी बताऊंगी, ठीक है। तो निमेटोसाइट जो है इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। स्टेम सेल्स भी होती है इसमें कुछ, ये सब कुछ आपको देख लेने, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसका निमेटोसाइट। दूसरी बात ये दिखाना था मुझे कि तीन दो लेयर्स होते हैं, बीच में मेसोग्लिया होता है, ठीक है। अब हम उस नाइडोब्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे कि भाई ये यहाँ पे निमेटोसाइट प्रेजेंट होती है और इसमें जो ये यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकला होता है इसको नाइडोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रा है इसके जो टेंटिकल्स हैं यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है, ये नाइडोप्लास्ट यानी कि कांटे के जैसा स्ट्रक्चर है, ये मार देता है प्रे को, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगे हुए होते हैं, कैसे ऐसे कांटे कांटे से निकले होते हैं, ठीक है। अब इसका एक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कैसा होता है, ठीक है। यहाँ भाई आपको दिखाई देता है, ठीक है, देखो ये तो इसका इसके दो पोर्शन होते हैं, एक तो होता है बंद, मान लिया ये कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, देखो ये कांटा है, मान लिया ये कांटा है, ये कांटा भी अंदर, ठीक है, ये बंद है, यहां से एक इसका ढक्कन लगा हुआ है, इसको ओपरकुलम बोलते हैं। तो अगर मान लिया कोई प्रे आया, ठीक है, तो एकदम से ये सेंस करके इसका यहाँ पे कौन ऐसा निकला होता है, कौन सा स्ट्रक्चर, वो सेंसरी ऑर्गन होता है इसका, वो सेंस करता है, ये सेंस करता है कि हाँ कोई यहाँ पे प्रे आ गया, या फिर डिफेंस भी कर सकता है अपने आप को, देख सकता है कि कौन है। तो ये एकदम सेंस करके इसका ओपरकुलम खुल जाता है और खुल के एकदम से ये इसका जो अंदर ये जो कांटे वाला स्ट्रक्चर होता है ये बाहर आ जाता है और ये प्रे को लपेट लेता है उसमें, ठीक है। तो ये ऐसा इसका कुछ मैकेनिज्म होता है, पहले तो देखो ये ऐसे होता है, इस तरीके का होता है कि भाई इसका एक ट्रिगर से निकला होता है, ये क्या करता है, यही सेंस करता है ये कि कौन है, प्रे है, कैसे है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये पोर्टली भरी हुई होती है, एक तो रस्सी सी होती है ये, और दूसरा ये इसका अंदर जो है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये कॉइल थ्रस्ट, और ये यहाँ पे अंदर इसका जो पोर्शन है इसको निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रे आया तो इसकी जो अंदर वाली चीज सारी बाहर निकल जाती है, इसका थ्रेड भी और ये इसकी पोटली सी, और ये प्रे को ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे सिर्फ इसका ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया रखा है, ये नहीं दिखा रखा, ठीक है। ये इसकी आप ये जो पोर्शन है इसको नाइडोसिल बोलते हैं, ठीक है, ये आपको देख लेना एक बार। अब इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कैसे होता है नाइडेरियम में रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बर्ड फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअली तो ऐसा हो सकता है। दूसरा यहाँ पे पढ़ेंगे हम कि भाई यहाँ पे मेल के स्पर्म है, यहाँ पे फीमेल के एग्स है,
उनका मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के इसके बाद में यहाँ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद में फिर यहाँ पे यंग पॉलिप बन गया, पॉलिप से हाइड्रा बन गया, हाइड्रा से मेल बन गया, फिर दोबारा से वही वाले चक्कर चलता रहा इसमें, ठीक है। अब एक इसमें पोर्शन होता है मेटाजेनेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेटाजेनेसिस क्या होता है, देखो मान लिया यहां पे आपको, देखो मैंने जेली फिश बना रखी है ये, ठीक है। अगर ये जेली फिश दिखाई दे रही है आपको, ये कैसी है, ऐसी होती है यहां से, देखो एक मिनट आप यहां पे देखो, ये आपको हाइड्रा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे इसके टेंटिकल्स निकले ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रा को उल्टा कर दूं, देखो ये इसकी कैसी है, ये जो ऊपर की तरफ टेंटिकल्स निकले हुए, इस फॉर्म को हम बोलते हैं पॉलिप, ठीक है। लेकिन अगर इस हाइड्रा को उल्टा कर दूं, मैं ऐसे कर दूं ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेड्यूसा। तो इसकी लाइफ में दो स्टेजेस भी आ सकती है, एक तो पॉलिप, दूसरा मेड्यूसा, ठीक है। तो कुछ इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल में एक बार पॉलिप बनते हैं, फिर पॉलिप से क्या बनते हैं, मेड्यूसा, फिर मेड्यूसा से पॉलिप बन जाते हैं। और इस पोर्शन को हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होती है इसमें, इसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एफायरा है, ये प्लेनुरा लार्वा है, ठीक है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है कि एक बार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये यहाँ पे मेड्यूसा बनाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये पॉलिप बनाएगा, ठीक है। तो यही वाली चीज यहाँ पे ओबेलिया, इसका एक एग्जांपल है, ओबेलिया में देख लेते हैं। तो जो ओबेलिया है, देखो ये तो पॉलिप फॉर्म है इसकी, मेच्योर पॉलिप, और ये कैसी है इसकी, ये मेड्यूसा वाली फॉर्म है। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई पहले क्या था, कि यहाँ पे मेड्यूसा था, मेड्यूसा से यहाँ पे क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे इसका ये एग है, ये स्पर्म है इनका, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट से ये पॉलिप बनता है, पहले मेड्यूसा से पहले पॉलिप बनता है, फिर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें फिर क्या होता है कि ऐसे मतलब एक स्ट्रक्चर निकलना स्टार्ट होता है, उसके अंदर बीच में क्या होते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये क्या करता है, ये रिप्रोडक्टिव पॉलिप कहलाता है। ये क्या करता है, ये यहाँ पे जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये मेड्यूसा का फॉर्मेशन कर देता है, फिर से वो मेड्यूसा क्या करता है, वो फिर से एक जायगोट का फॉर्मेशन करता है, फिर पॉलिप बनता है, फिर मेड्यूसा बनता है, फिर पॉलिप बनता है, फिर मेड्यूसा, ये इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये एक्वेटिक होते हैं, मैराइन, जो क्योंकि आपको पता है जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो पहले वाले आए हैं, वो सब पानी में ही होंगे, ठीक है। मैराइन है, सेसाइल है, फिक्स्ड है, यानी कि फ्री स्विमिंग है, रेडियोमेट्रिकल है, have nidoblast, nidocytes, stinging capsule on tentacles, used for defense, encourage के लिए क्या होता है इसमें, ये use होता है क्या, nidoblast, ठीक है, encourage के लिए भी use हो सकता है, capture करने के लिए भी use हो सकता है prey को, ठीक है। tissue level of organization आ गया, इससे पहले हम जो porifera पढ़ रहे थे उसमें क्या था, उसमें तो सिर्फ cellular layer, cellular organization था, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें कैसा है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, डिप्लोब्लास्टिक आ गए, यानी के दो जर्म लेयर हैं, ठीक है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं है, मीजोग्लिया प्रेजेंट है मीजोडर्म की जगह, माउथ होता है हाइपोस्टोम पे, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंटर सेलुलर होता है, कॉलर्स है स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म ऑफ कोल्ड मेड्यूसा एंड पॉलिप, यानी कि दो फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ ये वाली बात, कुछ कोरल जो होते हैं ना ऐसे होते हैं, देखो ऐसे होते हैं कोरल, इनके बाहर एक लेयर होती है ऐसे, ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो जो कोरल होते हैं उनके बाहर में एक्सोस्केलेटन होता है, वो कैसा होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिप जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं जैसे कि हाइड्रा, यानी कि वो चल नहीं सकते। मेड्यूसा जो होते हैं, यानी कि अम्ब्रेला शेप, जैसे कि आपको जेलीफिश ऐसे होती है ना, उसमें यहाँ टेंटिकल्स होते हैं, यानी कि उल्टा कर दो सिर्फ उसको,
फ्री लिविंग होती है, दे शो अल्टरनेट ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, वेयर पॉलीफॉर्म्स मेड्यूसा एसेक्सुअली, मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली, जैसे कि ओबेलिया में होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है, आपको याद करते हैं, एडम्सिया, ये हाइड्रा हो गया, ओरेलिया हो गया, ओबेलिया हो गया, और मिट्रिना हो गया, पेनेट्यूला हो गया, गार्गोनिया हो गया, फाइसेलिया हो गया। ठीक है, जेलीफिश। अब हम नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं जिसका नाम है टीनोफोरा। टीनोफोरा जो होता है इसको सी वॉलनट भी बोल सकते हैं, कॉम जेलीज भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एक इस तरीके का स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, और यहाँ पर भी इसका मतलब दिखाऊंगी मैं आपको, कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी बात हम करेंगे। इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है बहुत ही बड़ा कि ये ऐसे चमकते हैं नाइट में। इनके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरी बात कलर प्रेजेंट होते हैं इनके पास में, किस वजह से वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कलरफुल होते हैं, रात में चमकते हैं, जैसे कि जुगनू नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है इनका एक स्टीनोफोरा का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। ठीक है, इनको कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पे इनकी बॉडी जो होती है ना ऐसे होती है, जैसे खरबूजा नहीं होता ऐसे, और जो ये इसके लेयर्स होते हैं इनमें यहाँ पे कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे, इसलिए इनको कोम्ब जेली भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसे इस तरीके से इनके पास में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था खरबूजे के जैसे स्ट्रक्चर है ऐसे, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे ऐसे होगा, और यहाँ पे ऐसे कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ये इसके यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। अब ये मैराइन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें भी, बॉडी बियर्स एट्रोसिलेटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं, हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है, डाइजेशन बाय इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, बायोल्यूमिनेंस इज प्रेजेंट। बायोल्यूमिनेसेंस क्या बताया मैंने आपको, कि भाई जो इनके पास में लाइट बेयरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि रात को जुगनू की तरह चमकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। इनमें प्रेजेंट होता है अलग अलग कलर का, मतलब बहुत चमकीले होते हैं ये। ठीक है, बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मोनोशियस होते हैं, रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अभी तक कैसा हो रहा था, एसेक्सुअल हो रहा था, ज्यादातर सेक्सुअल भी हो रहा था। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसके एग्जाम्पल है प्यूरब्लैंकिया और टीनोफोरा। ठीक है, ये दिखाया था मैंने आपको कि एक यहाँ पे इसका टेंटिकल निकला हुआ है, खरबूजे के जैसी इसके स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती है इसकी। अब हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज की। प्लेटीहेलमिंथीज नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये फ्लैट वर्म्स होते हैं, जैसे कि आपने मतलब बिल्कुल पत्ते के जैसे स्ट्रक्चर नहीं होता, देखो ये जैसे आपका दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पत्ते के जैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे ये लीवर फ्लूक दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट, इसलिए इनको हम प्लेटीहेलमिंथीज भी बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनमें वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, कि भाई अगर ये प्लेनेरिया है, ये क्या है, ये प्लेनेरिया है, अगर इसको कहीं से भी काट दो, कहीं से भी इसका इतना सा कटा हो पोर्शन, पूरा दूसरा प्लेनेरिया बना देगा, पूरा दूसरा। ये क्या है, इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी, जो कि हमारे प्लेटीहेलमिंथीज में पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा होती है। इसकी सेल वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, इसलिए तो सबसे पहली बात, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे अंदर भी रहता है लीवर फ्लूक। ठीक है, दूसरा टेप वॉर्म रहता है ना, तो ये क्या है, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, बायलेट्रली सिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे कि हम लोग होते हैं, बीच में से काट दो। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया भाई, इनमें आ गया। आपको एक बात और ध्यान देनी है, जो नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि कौन से फाइलम में स्टार्ट हुई
ये वाला करेक्टर, जैसे पूछ लेंगे कि सबसे पहले ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे आया था, सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए थे, इसमें ही तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी इसमें ही आए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे ए सिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके पास में कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, हुक्स एंड चक्कर आर प्रेजेंट, फ्लेम सेल्स होते हैं इनके पास एक्सक्रीशन के लिए। एक बात और नहीं आ गई इसमें कि भाई एक्सक्रीशन के लिए तो अब तक किसी में भी बात नहीं हुई थी, है ना, एक्सक्रीशन के लिए उनके पास में कोई ऑर्गन ही नहीं था। इसमें क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होती है एक्सक्रीशन के लिए। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, यानी कि इसमें जो है लार्वल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट होता है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट, की हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल क्या है, टेप वर्म हो गया, प्लेनेरिया हो गया, लीवर फ्लूक्स हो गए, ठीक है। ये जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे टेप वर्म का, ये आपको देख लेना है कि इस तरीके का होता है कि नॉर्मली इंटीरियर ये, ठीक है, ये इनका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्लेम सेल होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। कैसा होता है ये, बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा होता है ऐसा, ठीक है। ये इतना लंबा होता है ना, बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। और ऐसे इसमें ना ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। इतना छोटा सा माउथ होता है इसका, ठीक है। नेक प्रेजेंट होती है। अब इसकी हम क्या देखेंगे, इसकी हम देखेंगे लाइफ साइकिल, ठीक है। टेप वर्म क्या करता है भाई, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें रहता है ना, तो हमारे इंटेस्टाइन में क्या कर देता है, छेद कर देता है, बहुत ही बुरी बीमारी कर देता है। तो ये देखते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहले अगर ये हमारी इंटेस्टाइन में है तो ये इसके, अगर ये हमारे अंदर है तो इसके एग्स, हमारी जो हमारा पॉटी होती है उसमें होते हैं एग्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्स जो है, ये एग्स यहां से अगर हमारी, मान लिया किसी सुअर ने या फिर गाय भैंस किसी ने अगर हमारी पोटी गलती से अंदर इसके चली गई जानवरों के अंदर, तो ये इसके अंदर जाके इसकी जो मसल सेल होगी उसमें जाके ये एग्स जो है सिस्ट की तरह प्रेजेंट होते हैं। मतलब एग्स कहां से होंगे, इसकी मसल में। अब इसका जो यहाँ पे ये इसका वो है मांस, हम लोग नॉन वेज चीज खाते हैं तो यहां से ये जैसे कि मांस है, ये अगर हमने फीड करा कुक करके, फिर ये दोबारा से ये जो हमारे ये जो मान लिया एग्स हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे और यहां से फिर से ये एक टेप वॉर्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक टेप वॉर्म ही रहता है एक बार में हमारी बॉडी में, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। दूसरा, ये एरोबिक नहीं होते, एनएरोबिक होते हैं, क्योंकि अंदर तो कहां ही सांस ले पाएंगे ये, ठीक है, एयर के थ्रू सांस नहीं लेते ये। ये एक एग्जाम्पल है फेसियोला, जो कि लीवर फ्लूक है, हमारे लीवर में प्रेजेंट होती, लीवर सकर बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये आपको देखना है कैसे होते हैं। थैंक यू सो मच, यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है इस चैप्टर का। मैंने बहुत कोशिश करी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में समझाने की, और बाकी पूरा चैप्टर कवर करने के लिए हमें फॉलो कीजिए www.padloindia.in पे, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब पर padloindia.in पे। तो बने रहिए हमारे साथ, आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। थैंक यू सो मच, सो स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया।